कहाँ खो गई? केक काट। पुष्टि, सिर्फ एक पीस। हाँ, दूसरे पीस को हाथ लगाया तो? मानव, आने दीजिए ना उसे, क्यों रोक रहे हैं आज? अर्चना, खा ले पुष्टि। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पूरी, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Puri, happy birthday to you. आई, तू यहाँ क्या कर रही है? आई, आज तुझे पूरा दिन बर्थडे कॉल्स आते रहेंगे, लेकिन तुझे मैक्सिमम टाइम हमारे साथ स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ। चलो चलो, लेट्स गो। हाँ आई। अरे, मेरी फोटो? अब बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे मानसी, तो चोरी पकड़ी गई ना? मतलब तुमने ये फोटो छुपा कर रखी होगी और मानसी के हाथ लग गई होगी, है ना? चलो अच्छा ही हुआ कि मानसी को भी हमारे बारे में पता चल ही गया, इसलिए वो इस तरह एम्बेरस होकर भाग गई। कहकर गई कि चाय लेकर आती हूँ और भागी है कमरे के अंदर। वैसे अंकिता, ये मानसी भी कितनी बड़ी हो गई है ना, लगता है इसकी भी शादी करा देनी चाहिए और इसको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। वो है इतनी सुंदर, प्यारी। क्या हुआ? क्या मैं अब भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? अरे, अब तो सबको मालूम पड़ चुका है, तुम्हारे बाबा को, मेरी आई, मेरे बाबा, मानसी, प्रशांत, सबको। अब क्यों शर्मा रही हो? ओ, कहीं मानसी ना आ जाए इसलिए डर रही हो? तुम्हें डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे बुरा नहीं लगेगा। उल्टा मुझे लग रहा है कहीं वो मुझे आज से ही जीजू पुकारना शुरू ना करते। सोहम, पूर्वी का बड़ा भाई? इंडिया से फोन। हेलो हेलो, शीतल बोल रही है पूर्वी। शीतल, शीतल कैसी है तू? कहाँ है इतने दिनों से? हाँ, मैं तो मुंबई में हूँ, तुम बताओ? कनाडा में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। अच्छा पूर्वी सुन ना, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। याद है 20 साल पहले सोहम दादा के साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तुम लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उनका कुछ पता नहीं चला। मगर आज अचानक से तू ये बात क्यों पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक अजीब बात हुई है। इतने सालों बाद मुंबई में मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल सोहम दादा की तरह दिखते हैं। ये क्या बोल रही है तू शीतल?
Are you sure? Yeah, I'm 100% sure. इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया. रात का वक्त था, अंधेरा था, फिर भी उन्हें मैंने क्लियरली देखा. एंड आई एम श्योर वो सोम दादा ही थे. एक पल के लिए मैं भी शॉक हुई थी, फिर सोचा तुम्हें कॉल कर लो. शीतल, तुझे पक्का यकीन है ना वो सोहम दादा ही थे? हाँ, मैंने कहा ना वो सेम टू सेम सोम दादा की तरह दिखते हैं. आई एम 100% श्योर वो सोम दादा ही है. ठीक है, थैंक्स. दिस इज फाइन. ये स्टॉक शीट मैं तुम्हें मेल कर देता हूँ. इसके अलावा मैंने तुम्हें ट्रिलॉजी कंपनी की फाइल दी थी फॉर सम डिटेल्स. वो कहाँ पर है? सब वो फाइल तो कल मैंने आपकी टेबल पे रखवा दी थी. मैंने कहा था रखने के लिए. वो यही होगी सर. आई डोंट नो, तुमने यहाँ भिजवाई थी? हाँ सर. Ah, here it is. Well, तुमने चेक कर लिया था सब कुछ? Everything was okay? हाँ सर. हाँ? अंकिता, ये फाइल की डिटेल्स तुमने पढ़ी? हाँ सब, मैंने सब पढ़ा है. तुमने इस फाइल का कंटेंट पढ़ा? इस कंपनी के पार्टनर्स कौन कौन है? इसमें चार पार्टनर्स है. मानव देशमुख, पूर्वी देशमुख, तेजस्विनी देशमुख और अर्चना देशमुख. तुमने मिसेस अर्चना देशमुख की फोटो देखी? क्या हुआ सर, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अर्चना देशमुख. अर्जुन सर, ये मैं भी इसी तरह शॉक था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था. रिमेम्बर, मैं तुम्हारे घर आया था, तुमसे तुम्हारे बाबा के बारे में पूछ रहा था. तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? इसकी वजह से तो मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है. राघव मात्रे. हाँ सब, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि आपकी जो सास है ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तरह दिखती है. आपकी वाइफ को भी शौक लगा होगा ना? मैं और मेरी पत्नी अब साथ नहीं है. We're separated. Sorry sir. It's okay. It is a coincidence. Care anyway, you carry on. Sir, वो मैं दरअसल इसलिए आई थी कि वो ट्रिलॉजी कंपनी से फोन आया था. वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते. It was expected. Sorry, sir. Nah, nothing. You should go. Okay. Thank you, sir. I'll see you later. See you. नहीं दादा, देना दादा प्लीज. नहीं, तू ये खाएगी और मोटी हो जाएगी. गौरव, क्या कर रहे हो तुम लोग? चुप करके खाना खाओ. हम ये खाएगी, मोटी हो जाएगी. सही कह रहा हूँ ना? गौरव बिल्कुल सही कह रहा है बेटा. बस बोल बेटा, तू भी आजा, बैठ जा, खाना शुरू कर.
और तेरी आई कहाँ है? पापा वो एक्चुअली किचन में। अर्चना जल्दी आ जाओ खाना खाने के लिए। अर्चना की पुरानी आदत, जब तक सबको खाना नहीं खिला देती तब तक खुद भी नहीं खाती। सो सॉरी आई, मेरी मीटिंग कुछ ज्यादा ही खिंच गई। परी मीटिंग की बात छोड़, ये बता कि डील फाइनल हुई या नहीं। तेजू एक्चुअली मेरा मतलब था कि क्या आते मीटिंग की बात लेके बैठ गई, मैं भी यही कहना चाहती थी। तू एक काम कर, जाके फ्रेश हो जा और फिर डिनर के लिए आ जा। पूरी बेटा क्या बात है, तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा। This mixed vegetable is awesome. Even I liked it, Atiya. What's up? चलो I'm glad. Finally, junk food छोड़के तुम दोनों को घर का खाना पसंद आया। पूरी बेटे, वो अचार कहाँ है? अब हाँ बाबा, वो आई अचार लेने गई थी, मैं आती हूँ। अजूबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है आई के वापस आने से पहले। एक्चुअली तेरी आजी और पूर्वी के आने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। ये पायनियर कंपनी की डील किसने कैंसिल की और क्यों? मैं पूर्वी, क्या हुआ तू? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? आई मुझे मुझे तुझको कुछ जरूरी बताना है। अजूबा वो डील मैंने कैंसिल करवाई है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अर्जुन किर्लोस्कर की है। क्या? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि हम उससे कोई भी रिश्ता रखें किसी भी वजह से। वो जितना दूर है उतना ही अच्छा है। सोहम जिंदा है? उर्वी अगर अगर सोहम जिंदा है तो मैं... आई आई देख, अभी अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ प्लीज शांत हो जा। मैं जानती हूँ पूर्वी, मैंने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, लेकिन उसने काम भी तो ऐसे ही किया था। मैं ही जानती हूँ जब मैं वो सब कर रही थी तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। हाई आई मैं तुझे कह रही हूँ ना, शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, किसी को पता ना चल जाए प्लीज। लेकिन उर्वी अगर सोम सोम वाकई में जिंदा है तो? आई मैं तुझे कह रही हूँ ना, एक बार बात को कन्फर्म होने थे, ऐसे रोने लगेगी तो सबको पता चल जाएगा, और अगर सबको पता चल गया तो तू तो जानती है ना, सबको ये लगेगा कि तो हम दादा जिंदा है, वो वापस आ रहे हैं, फिर क्या होगा? तू अच्छी तरह से जानती है आई भी। ये भी हो सकता है कि वो आदमी कोई और हो, मतलब जिसे शीतल ने देखा हो वो सोहम दादा हो ही ना, और इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल करवाई और इंडिया की टिकट भी। अब मैं और आई US जाएंगे एक बिजनेस इवेंट के लिए, और अगर हम वहां ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे फॉर श्योर। आई मैं इंडिया जा रही, तुरंत वापस भी आ जाऊंगी, बस एक बार तसल्ली करना चाहती। हाँ तू वो इंडिया जाके बता कर, तू पक्का जाएगी मेरे खातिर? मैं जानती हूँ आई कि सोहम दादा तेरे लिए क्या मायने रखते, और फिर वो पेनियर कंपनी की डील भी तो पेंडिंग है। विवाह कर अर्जुन मिला तुझे तो? वो आदमी मेरे लिए मर चुका है। अगर कहीं तुझे वो भी मिले और वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहे तो उसे कह दे कि उसके लिए उसका परिवार 20 साल पहले ही मर चुका है, उसे किसी के बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं। और भी अगर सोहम जिंदा है ना, और अगर वो लड़की अंकिता कहीं सच्ची उसकी बच्ची है, तो मैं उसे सारे हक देना चाहती हूँ, उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो
जो मेरे सारे पोते पोतियों को मिली। मैं देखती हूँ। आई इंडिया जा रही है, मुझे बताया तक नहीं। आई 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 तू जानती है कि वो अर्जुन किर्लोस्कर की कंपनी है और फिर भी तू इंडिया जाना चाहती है उससे डील करने। मतलब ये सब मेरे समझ के बाहर है। आई जस्ट डोंट गेट इट। आई जब हमने डिसाइड किया था कि हम उनसे डील नहीं करेंगे तो फिर क्यों? मैंने खुद उनसे बात करके मना किया था, तो क्या जरूरत है वहां जाने की? आई देख, ना हमारा उस आदमी से कोई वास्ता है, ना आगे हम उससे वास्ता रखना चाहते हैं, तो हम उसके साथ बिजनेस क्यों रखेंगे? अरे तू गलत समझ रही। पूर्वी वहां इसलिए नहीं चल आई। बेटा तुझे प्रॉब्लम ये है ना कि तूने खुद उन्हें ऑफिशियली फोन करके डील कैंसिल करवाई। तो उसकी चिंता मत, मैं खुद फोन करूंगी और फिर से मीटिंग रखवाऊंगी। अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करने वाली हूं। अभी भी कंपनी में कुछ डिसीजन लेने का अधिकार तो है मुझे, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये डील आगे ले जाऊं। ओके? लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आदमी ने एक बार सामने से तुझे फोन कर लिया, चार मीठी बातें कर ली, थोड़ा हमदर्दी दिखा दी, बस इसलिए तू इंडिया जाना चाहती है उससे मिलने? और एक मिनट, किसका फोन आया था? वही आदमी जो बदकिस्मती से मेरा बाप है। जिसे अचानक इतने सालों बाद ये याद आ गया कि उसकी एक बेटी है और इसकी एक बीवी है जिसे वो छोड़ चुका है। गॉड ओनली नोस कि इतना प्यार कहां से उमड़ आया। हो सकता है कि उसको अचानक अपने नकारेपन का एहसास हो गया, या फिर अपने नालायक होने पर शर्म आ गई। बस अब एक शब्द और नहीं आ परी। वो तेरे बाबा है, अगर उनके बारे में तुझे बात करनी है तो इज्जत से बात कर, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं। और ये इस भाषा में बात कर रही है तू? हाँ, हम सब ने ये संस्कार दिए हैं तुझे। अरे एक बात बिल्कुल मत, अर्जुन तुझसे पहले मेरा गुनेगा। तो अगर मुझे उसके साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे भी नहीं होनी चाहिए, समझी? आई तू और मैंने ये डिसीजन ले लिया है, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे तुझे इस बारे में और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो बिजनेस डील तो नहीं। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? पिछले 25 सालों से मैं तेरे आजूबा के साथ बिजनेस कर रही, तब से लेके अब तक ना ही मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स किया है और ना ही आगे करूंगी। मैं आज जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के फायदे के लिए कर रही हूँ। और जिस कंपनी को तेरे आजूबा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है ना परी, उस कंपनी का फ्यूचर मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दाव पे नहीं लगा सकती। आई तू उस आदमी के पास नहीं जाएगी। परी मैंने तुझसे कहा ना, मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वहां नहीं जा रही हूँ। बस अब इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी, समझी? ठीक है, जा। तुझे बहुत शौक है ना खुद को हर्ट करवाने का, देन प्लीज गो। उस आदमी की सुखी गृहस्थी देखना, उसकी बेटी को देखना और खुशी खुशी वापस आ जाना। ओके? अरे भगवान, आज तो दारू के साथ खाने का ये बंदोबस्त हो गया। बीस रुपए भिखारी चोरता ही ससुर। मार मार इको, मार मार इको, मार ये जान से मार दे इको, मार दे, मार दे इको, मार 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 इको, मार मार।
आज का दिन ही खराब है। इनको ना बात नहीं, भाई का तो बंदोबस्त वही है। ए चंदू सबर रख बे, तोरे कोई दे रहे? चल एक तो बढ़िया चाय पिला, बहुत थक गए। अबे उठ, चल आगे की रोड पे आके बैठ जा। चल तोरे कभी बीच का रोका दिया ना हमने, अब यहाँ से चाय पिए बगैर जाएंगे नहीं तू। देख अबे बात तो ऐसा कर रहा है जैसे पैसा देख के बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे। ये तेरा पिछला उधारी है समझा, अभी 350 में से 20 कटा, बचा कितना 330, वो लेकर आ फिर तुझे चाय से नहला दूंगा। चल सर, वो मैं दरअसल इसलिए आई थी कि वो ट्रिलॉजी कंपनी से फोन आया था, वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते। मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, आज के बाद मेरी आई को फोन मत करना, समझे? आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी गृहस्थी है, तो आप अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए। इतने सालों बाद मेरी आई को फोन करके क्यों तंग कर रहे हैं?